भाई बस पासिंग मार्क्स मिल जाए इस एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं चाहिए भाई, बस पास होना है यार। क्या आप भी ऐसे सोच रहे हैं? यस, मैं भी ऐसे सोचता था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, अभी जस्ट थर्ड ईयर का परसों ही पेपर दे के आया हूँ मैं, एंड इट वॉज गुड। आई एम श्योर कि यू आर टेंस्ड अबाउट ही भाई कैसे पास होंगे TA01 में, एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पक्का आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लिटरली आई एम सेइंग ईजी है, मानिए। सो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले कुछ ना टिप्स याद रखते हैं जो आपको TA01 में ना, आपको भले आता हो या नहीं आता हो, कि मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो या नहीं आता हो, बट स्टिल यू विल गेट द पासिंग मार्क्स। यू नो हाउ, देयर आर सम टिप्स, सो लेट मी टेल यू कि वो टिप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने भी सुना होगा, बस कैसे भी करके पेजेस भरने हैं। येस, यू हैव टू फिल द पेजेस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 पेजेस की कॉपी मिलती है आपको इग्नू की तरफ से, 26 पेजेस की, एंड आपको और उस हम लोग को 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, एंड वी हैव टू डू 5 क्वेश्चंस। सो अगर कैलकुलेशन लगाए तो हर क्वेश्चन के लिए 5 पेज है ना, एक एक दो, मतलब एक पेपर के दोनों साइड, एक दो, तीन चार और एक पाँच, यू हैव टू फिल दैट 5 पेजेस एनी हाउ, तभी मार्क्स मिलेंगे, तभी जो इन्विजिलेटर जब साइन कर रहा होगा ना, तो उसी मज़ा आएगा यार, मोटी कॉपी है चलो। क्योंकि ये याद रखिएगा, जो इन्विजिलेटर है वहाँ पे वो आपका एक एक वर्ड नहीं पढ़ने वाला है, उसे हज़ारों कॉपी चेक करनी होती है, वो सिर्फ चेक कर, उन लोग को भी पास करना होता है, एंड दे आर सो मच गुड, दे आर सो मच, मतलब बोलते ना कि बहुत, दे डू नॉट डू हार्ड चेकिंग, दे डू सेंसिटिव चेकिंग, थैंक यू फॉर दैट। तो वो बस चाहते हैं कि बच्चा बस कुछ ना कुछ लिखे, और अगर अपने 5 पेज में लिखा है तो यू विल डेफिनेटली गेट नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, टक 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 टक, यू विल डेफिनेटली गेट इट। सो 5 पेज भरिएगा हर क्वेश्चन के, और उसको कैसे भरना है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैं भरूंगा कैसे, उसका भी तरीका है, डायग्राम्स। अब बोलेंगे कि डायग्राम्स तो मुझे पता ही नहीं है क्या क्या होता है डायग्राम्स, कोई बात नहीं, वो भी बताऊंगा मैं। अब मंथन सर ने बोल तो दिया कि 5 पेजेस भरने हैं, अब वो भरेंगे कैसे, लेट मी टेल यू, इस वीडियो के जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद मैंने टूरिज्म के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट में यू विल गेट द वीडियो जो आपके TA01 में आने वाले हैं, एक बार वो सब वीडियो देख लीजिए, और सारा कोरिलेशन में क्वेश्चन आएगा, बस आपको वही बार बार लिख देना है, सिंपल है ना, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले वो तो 5 पेजेस तो आपको भरने ही हैं कैसे भी करके, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। दूसरा, आपको जिसके क्वेश्चन आए डिफाइन टूरिज्म, ठीक है, तो टूरिज्म का आपको डेफिनेशन लिख देना है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म लिख देना है, टूरिज्म क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये सब मिला के एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा कि आप कहीं पर कश्मीर गए थे, आपने वहाँ पर बस ली, आपने वहाँ पर ट्रेन ली, आपने वहाँ पर साइकिल चलाई, ये वो सब चलाई, जितना जो आपने वहाँ पर किया वो सब लिख दीजिएगा, लिटरली लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी लिखा था एंड मैं पास हो गया। ये याद रखिएगा कि आपको वहाँ पे राइटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ये नहीं कि ओ माय गॉड आई विल डू कर्सिव राइटिंग, नो यू डोंट हैव टू डू एनी कर्सिव थिंग, वहाँ पे बस थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के, थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के, लाइन हर लाइन छोड़ छोड़ के मत लिखना, थोड़ा सा बड़ा लिख लेना, थोड़ा सा स्पेस दे देना, भले दैट इज़ ओके, वैसे कर करके लिखना है, ठीक है, और फास्ट लिखना है, ये नहीं कि नो यू डोंट हैव टू डू दैट, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है, जैसे कि 5 क्वेश्चन है आपको, मतलब अगर कैलकुलेशन लगाए हम तो आपको आधे घंटे में एक क्वेश्चन करना है, मतलब 32 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन करना है ना, तो प्लीज़ फास्ट लिखिएगा जितना आप जल्दी फास्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ, और प्लीज़ डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, ये नहीं कि यार, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था जब मैं अपना एग्ज़ाम देके आया था, कि यार 3 लिख दिए क्वेश्चन, यार लिखने का मन नहीं कर रहा यार, उठ जाता हूँ मैं, नो प्लीज़ डू नॉट डू दैट ब्लंडर मिस्टेक, आपको कैसे भी करके 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, भले आपको नहीं आ रहा है, आपने 3 क्वेश्चन अच्छे से लिख दिए, ठीक है, आखिरी के जो 2 क्वेश्चन हैं कम से कम उसमें 2-3 पेजेस तो भर ही दीजिए, पर उसको छोड़िए मत, डू नॉट लीव दैट, डू नॉट कि ऐसा मत करिए कि भाई चलो छोड़ो, अब इसमें पास हो तो हो जाऊंगा वरना नहीं होगा,
कैसे भी करके कुछ ना कुछ लिख देना, रिपीट कर देना जो लिखा है, पर प्लीज़ लिख देना. एंड प्लीज़ कोरिलेशन में लिखना, ये नहीं कि आपने वहाँ पे जाके लिख दिया शीला की जवानी और ये सब क्या क्या लिख दिया, वो नहीं चलेगा. लाइक कुछ कोरिलेशन में लिखना कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप कहीं पे घूमने गए, तो वो भी एक एग्जांपल है आपका टूरिज्म का. आपने अरेंजमेंट्स की, ये सब किया, वो सब किया, टूर ऑपरेटर मिला आपको, ये किया वो किया, आपने बस लिया, बस का टिकट का पैसा कितना फेयर लगा, वहाँ पे आपने क्या देखा क्या नहीं देखा और आपको क्या लगा कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो सब आपका टूरिज्म के अंदर आता है. प्लीज़ कोरिलेशन में लिखेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोरिलेशन में अब कि भाई मेरे को मेरी मम्मी ने पराठा नहीं दिया सुबह आज, वो सब नहीं लिखना है. You have to write something in correlation and you have to be relaxed. Please be relaxed. आप जितना टेंशन लेंगे एग्जाम देने के बाद, आई एम डैम श्योर कि यू विल बी लाइक अरे यार कितना ईजी था. टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस यू हैव टू फिल द पेजेस, बस ये याद रखिएगा. अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एंड जो आने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वॉट डू यू मीन बाय टूरिज्म. लाइक आपको ये भी पूछा, ये भी लिख सकते हैं कि डिफाइन टूरिज्म एंड टाइप्स और क्यों इम्पॉर्टेंट है टूरिज्म, ये सब पूछा जा सकता है. ठीक है, दूसरा टॉपिक ये पूछ सकते हैं कि वॉट डू यू मीन बाय टूर ऑपरेटर. टूर ऑपरेटर भी पूछ सकते हैं और ऐसे पूछ सकते हैं कि यार जो अरेंजमेंट करता है ये सब वो सब, उसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़ हैं, ये सब. ये आपका किस में आता है? टूर ऑपरेटर. इन सब फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, या टूरिज्म में आप मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देता है. अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा तो लोग आप जा पाएंगे अच्छा आराम से, है ना, वरना अगर नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे, टूरिज्म ही नहीं हो पाएगा. ये भी आ सकता है कि थ्रेट्स क्या है एंड ऑब्स्टेकल क्या है आपके टूरिज्म के, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके टूरिज्म को रोकती हैं. अब क्या क्या चीज़ें हैं लिख दो फिर कोरिलेशन में. ट्रांसपोर्टेशन का अच्छे से व्यवस्था नहीं होना, ये भी एक आपको ऑब्स्टेकल है. अगर ट्रांसपोर्टेशन का अच्छे से अगर अरेंजमेंट नहीं होगा तो लोग आएंगे ही नहीं. फिर आपका इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीजनैलिटी, आपका सीजन जो सीज़न है, सीजनैलिटी है, वो आपका टूरिज्म में इफ़ेक्ट कैसे लगाता है. जैसे कि अब इतनी गर्मी हो रही है ना, अब मेरा ही मन कर रहा है यार मैं कश्मीर में जाके रहूं, जम्मू कश्मीर में जाऊं, मैं किसी हिली एरियाज़ में जाऊं, तो वहाँ पे मुझे ठंडा ठंडा लगेगा, मस्ती करूँगा मैं. सो सीजनैलिटी आपको ऐसे इफेक्ट करता है. आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस चिल आउट होके आपको थोड़ा सा सोचना है. सीज़न, गर्मी में हमें ठंडा चाहिए, ठंडी में हमें गर्म चाहिए, सिंपल. उसके बाद एक टॉपिक है जो बहुत कॉमन है, वो है मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च मतलब कि आपका मार्केट देखना कि आपका मार्केट कैसा है, आपका मार्केट किन लोगों के लिए है, आपका मार्केट कितना जनरेट कर सकता है, आपको अपना मार्केट कैसे चलाना है, ये सब सोच के. जैसे कि आपको इसमें थोड़ा सा अपना एग्जांपल लीजिएगा, अगर आपको टूथपेस्ट का आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर कौन है. मैं बच्चों वाला टूथपेस्ट बना रहा हूँ कि बड़ा वाला टूथपेस्ट बना रहा हूँ, तो आपके अगर आप बड़े वाला टूथपेस्ट बना रहे हैं तो मेरे कस्टमर बड़े लोग हैं. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आ सकते हैं. यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, बहुत आराम से जाएगा आपका पेपर. एंड ऑल द बेस्ट. प्लीज़ डू लेट मी नो आपको कैसा गया पेपर इन द कमेंट सेक्शन. 13 तारीख को है ना एग्ज़ाम आई गेस, हाँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा गया आपका पेपर. अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताएं, जल्दी से बताएंगे तो मैं उस पर जल्दी वीडियो भी बना पाऊँगा. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टूरिज्म वाला चैप्टर, लेट्स गो. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो आज हम पढ़ेंगे फ्रंट ऑफिस का वेरी फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट चैप्टर, विच इज टूरिज्म एंड इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर. फर्स्ट इज योर डिफाइन टूरिज्म, कि टूरिज्म होता क्या है. सेकेंड इज योर टाइप्स ऑफ टूरिज्म, कि टूरिस्ट कितने प्रकार के होते हैं. थर्ड इज योर ओरिजिन ऑफ टूरिज्म, कि टूरिस्ट आया कहाँ से. फोर्थ इज योर फैक्टर्स प्रमोटिंग टूरिज्म, कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं. फिफ्थ इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, कि टूरिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है. And sixth is your difference between
टूर ऑपरेटर एंड ट्रैवल एजेंट। सो लेट अस प्रोसीड। सो टूरिज्म होता क्या है? टूरिज्म एक एक्टिविटी है जिसमें इंसान अपनी काम करने वाली जगह या रहने वाली जगह को छोड़कर कहीं और जाता है। कितने समय के लिए? 24 आवर्स से ज़्यादा एंड 1 ईयर से कम। एंड जो इंसान टूरिज्म कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टूरिस्ट। सिंपल। प्यारी, समझ गई। सो जो टूरिज्म होता है वो आपका रीन्यूअल ऑफ लाइफ होता है। रीन्यूअल ऑफ लाइफ मतलब अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आप एकदम न्यू लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। सो वहाँ पे आपका लाइफ एकदम रीन्यू हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि जो आपका टूरिज्म होता है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। आप हफ्ते भर के लिए जाते हैं, महीने भर के लिए जाते हैं, बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइडर्स। जो आपका टूरिज्म है वो आपका छोटा समय के लिए होता है टूरिज्म, बट जो आप वहाँ पर जाके रिलेशन बनाते हैं, वहाँ पर जब होटल में जाते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसके बीच में? कंज्यूमर, जब आप कंज्यूम करते हैं सर्विसेज, एंड प्रोवाइडर, जो सर्विसेज देते हैं, जैसे कि होटल। तो जो टूरिज्म होता है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड ट्रैवल होता है। ऑर्गेनाइज्ड ट्रैवल मतलब अगर आप कहीं पे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं दिल्ली से कश्मीर जाऊंगा, तो मुझे, मैं दिल्ली में जब हूँ तो मुझे, मैं कश्मीर की टिकट करूंगा, वहाँ का होटल मैं कोई बुक करूंगा, वहाँ पे घूमने की जगह के लिए मैं बुकिंग ये सब करूंगा। सो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि पहले ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। तो टूरिज्म जो है वो आपका ऑर्गेनाइज ट्रैवल है। टूरिज्म बेसिकली तीन फेज, टूरिज्म के तीन फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका द बिगनिंग, जब आप उसका टिकट करते हैं, जब आप यहाँ से दिल्ली से कश्मीर जाते हैं, तो जो बीच का रास्ता है दैट इज़ योर बिगनिंग। एंड फिर आता है द मिडिल। मिडिल मतलब जब आप कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब आप उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड द एंड, जब आप कश्मीर से दिल्ली वापस आ गए, तो उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? The end, जब आपका जर्नी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टूरिज्म, कि कितने टाइप्स ऑफ टूरिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डोमेस्टिक एंड सेकेंड होता है आपका इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब जब कोई इंसान कंट्री कंट्री में ही ट्रैवल कर रहा है, मतलब जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, तो दैट इज़ योर डोमेस्टिक टूरिज्म। मैं इंडिया के अंदर ही हूँ, मैं इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ। फिर आता है आपका इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब एक अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाना, जैसे कि अगर मैं इंडिया से अमेरिका जाऊंगा या कोई अमेरिका से इंडिया आएगा, तो वो हो गया आपका इंटरनेशनल टूरिज्म। एंड इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका इनबाउंड एंड सेकेंड है आपका आउटबाउंड। जैसे कि अगर कोई इंसान, ध्यान से सुनेगा, अगर कोई इंसान इंडिया से अमेरिका जाता है, तो इंडिया वालों के लिए वो आउटबाउंड रहेगा। आउट मतलब बाहर, बाउंड मतलब बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के बाहर निकलना। तो वो इंडिया से बाहर निकला, तो इंडिया के लिए वो क्या हुआ? आउटबाउंड। एंड वो अमेरिका में जा रहा है, अमेरिका के अंदर आ रहा है वो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनबाउंड। अमेरिका वाले लोगों के लिए वो रहेगा इनबाउंड, क्योंकि वो इन अंदर आया, बाउंड बाउंड्रीज के। तो अगर कोई इंडिया से जा रहा है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो हो गया आउटबाउंड। एंड कोई इंडिया में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनबाउंड। सो नाउ वी विल डिस्कस कि आपका टूरिज्म का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ टूरिज्म, कि टूरिज्म कहाँ से आया। जब मानव जाति का शुरुआत हुआ, मानव जाति मतलब मैनकाइंड, सॉरी मैं कुछ कह के कुछ ज़्यादा हिंदी जाती है मेरी। सो जब इंसान जब पैदा हुए, जब शुरू हुआ, तो इंसान किसकी खोज के निकला? खाने के लिए निकला, लोगों से बचने के लिए और एनिमल्स से बचने के लिए। एंड माइग्रेशन किया उससे, जैसे कि आप देखते होंगे माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, क्यों? क्लाइमेट के वजह से। तो इंसान ने क्लाइमेट की वजह से भी इधर से उधर गए, टूरिज्म किया। तो ऐसे ही
टूरिज्म का इन्वेंशन हुआ, इतना ही था बस ये। सो लेट अस डिस्कस की फैक्टर्स प्रमोटिंग टूरिज्म, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब आपका प्रेरणा, कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है। जैसे कि इसमें हो जाता है क्यूरियोसिटी होना आपको, कि वहाँ पे ऐसा क्या है, वहाँ पे कुछ, वहाँ पे बहुत सुंदर लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर लड़कियाँ रहती हैं, तो आपको जानने की जिज्ञासा होती है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप देखना चाहते हैं। सो विच इज़ योर क्यूरियोसिटी। सेकेंड इज़ योर एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब कि एक्सपेक्टेशन, कि आगे कुछ होने, जैसे कि वहां पे जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो इन दैट सेंस, तो थर्ड हो जाता, फिर इसके बाद आता है मतलब, और कह सकते हैं पॉसिटिविटी। पॉसिटिविटी मतलब सहारा या भरोसा, कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरे को यकीन है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। सो सेकेंड आता है फैक्टर्स प्रमोटिंग टूरिज्म में आपका हॉलीडे। ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, इवन मेरी भी हॉलीडेज चल रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कहीं पे घूमने की। प्लीज़ डू लेट मी नो कि कहाँ कहाँ पे घूम सकता हूँ मैं, प्लीज़। सो चलो भाई, थर्ड इज़ योर बिजनेस। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपना सामान सेलिंग वेलिंग करने, सो दिस इज़ योर बिजनेस। फोर्थ इज़ योर एजुकेशन, पढ़ाई के पर्पज से। जैसे कि आप अपने घर को जब आप कॉलेज जाएंगे ना, तो कॉलेज में हैं तभी तो पढ़ना, होटल मैनेजमेंट सॉरी, तो अपने घर को छोड़ के आप कहीं पे दूसरी जगह जाते हैं, तो इट इज आल्सो द फैक्टर्स प्रमोटिंग टूरिज्म। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रैवल, मोड ऑफ ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर दिल्ली से मुंबई मान के चलिए एक ट्रेन है जो उड़ के जाती है, ट्रेन जो उड़ के जाती है, तो आपको होगा ना कि चलो मुझे एक्सपीरियंस करना है कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जो उड़ के जाती है, और इसी बहाने में मुंबई भी घूम लूंगा। तो वैसे ही पहले जमाने में जब नए नए ट्रेन्स आए थे, जब नए नए प्लेन्स आए थे, तो लोगों को होता था कि चलो घूमते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि आपका टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। एंड सिक्स्थ इज योर हेल्थ। जैसे कि आपने देखा होगा सीरियल्स में, स्पेशली आंटी वाली सीरियल्स में, कि जब किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर बोलता है सर अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे इसको, आपको इसको अमेरिका ले जाना पड़ेगा। तो वैसा ही, तो मतलब कैसा लगा मेरा मजाक। हेल्थ रीजन से आप दूसरी जगह जाते हैं। उसके बाद आता है आपका रिलीजन। रिलीजन मतलब जैसे कि आप तीर्थयात्री हो गए, जैसे कि अगर आप जाते हैं वैष्णो देवी, आप जाते हैं बनारस, तो दैट इज योर रिलीजन पर्पज। फिर उसके बाद आता है VFR। VFR मतलब विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आप किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं, अगर आपका फ्रेंड कहीं रहता है, कहीं दूसरी जगह रहता है, ऑब्वियसली दूसरी जगह ही रहता होगा, आपके घर में ही रहता होगा, तो आप उससे मिलने जाते हैं या रिलेटिव से मिलने जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप फिर ट्रेन व्रेन लेते हैं ये वो। सो उसके बाद आता है आपका विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब पौराणिक जगह। पौराणिक जगह में जैसे कि आपका आ गया लाल किला, ताजमहल, तो आप उसको देखने जाते हैं। उसके बाद आता है आपका एडवेंचर, कि एडवेंचर मतलब कि आप कहीं पे जाते हैं, आप सोचेंगे कि चलो अब मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ पे चढ़ूंगा मैं एंड ग्लाइडिंग करूंगा, सो एडवेंचर करूंगा मैं, कैंप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सो दिस कम्स अंडर योर एडवेंचर। उसके बाद आता है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि इंडिया की टीम अगर बाहर जाती है खेलने के लिए, तो बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है,
तो बाहर जाती है तो इट इज़ योर फैक्टर प्रमोटिंग टूरिज्म। उसके बाद आता है आपका लेजर टाइम एंड डिस्पोजेबल मनी। लेजर टाइम मतलब खाली समय, जब अगर आपके पास खाली समय है तो आप क्या प्रेफर करते हैं, घूमना, एक्सप्लोर करना, कुछ जानना। एंड डिस्पोजेबल मनी मतलब कि कहीं पे आपको, आपके पास यू हैव इनफ मनी सो आपको कहीं पे उसको खर्च करना है, तो इट कम्स अंडर योर डिस्पोजेबल मनी। सो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, कि टूरिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको नौकरी मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सेकेंड इज़ योर लिटरेसी रेट, लिटरेसी बढ़ती है, वहाँ आपका आजू बाजू का थोड़ा सा दिमाग खुलता है, सिंपल। थर्ड इज़ योर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आर कंट्री। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मेरे घर में कोई आता है ना, तो मेरी मम्मी क्या करती है कि सोफ़ा को अच्छे से अरेंज करती है, कुशंस को अच्छे से रखती है। तो वैसे ही अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, रोड बनाती है, और बहुत सारे लोग होटल्स बनाते हैं जिससे कि उनको अच्छा लगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो हमारा डेवलपमेंट होता है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, रोड्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद आता है आपका एक्सचेंज ऑफ क्यूजीन। जैसे कि आप जो अभी पिज्ज़ा खा रहे हैं ना, बुर्गीर जब जो खा रहे हैं, तो जो पिज़्ज़ा है वो इटली से आया, तो इटली से कोई आया होगा तभी तो हमें पता चला कि पिज़्ज़ा भी कुछ होता है। सो दैट इज़ वाई इसमें आपका एक्सचेंज ऑफ क्यूजीन होता है। उसके बाद आता है आपका कल्चर एंड ट्रेडिशनल एक्सचेंज। जैसे कि आपको क्रिसमस की छुट्टी मिलती है, तो बहुत पहले कोई आया होगा तभी तो हमें पता चला क्रिसमस भी होता है, हमारे कल्चर चेंज हुए, इंडिया का कल्चर वहाँ गया, अमेरिका का यहाँ आया, तो कल्चर एंड ट्रेडिशनल चेंज। उसके बाद आता है बूस्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी रिलेटेड होता है आपका पैसा, तो आपका आजू बाजू सब सुधरा, आपकी इकोनॉमी अच्छी हुई। उसके बाद आता है आपका गिव स्कोप टू अर्निंग फॉर लोकल एंड ट्राइबल पीपल। जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ पे थोड़े गांव वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे लोग मिट्टी के, जैसे कि अर्दन पॉट्स जो होते हैं, मिट्टी के घड़े वड़े होते हैं, वो बनाते हैं या अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि कोई आएगा, और क्यों, उन्हें पता है कि कोई आएगा कोई खरीदेगा तो उनको अर्निंग होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब कि किसी कंट्री की उसके करेंसी का वैल्यू, जैसे कि अमेरिका का ज़्यादा है इंडिया से, सो और उसे क्या वो होता है, रिफ्लेक्ट होता है कि अमेरिका ज़्यादा डेवलप है। जो कंट्री जितना ज़्यादा डेवलप होगा वहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रेट उतना ही ज़्यादा होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर। तो ट्रैवल एजेंट होता क्या है, जैसे कि आप जाते हैं, चलिए कश्मीरी चले जाइए, तो कश्मीर गए है ना, तो आप वहाँ पे सर्च करते हैं गोआइबीबो या ट्रिप एडवाइज़र कि चलो ये होटल अच्छा है, ये होटल अच्छा है, यहाँ पे खाना भी मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, ये वो। तो ये आपका किस में आ गया, ट्रिप एडवाइज़र में। वो आपका प्लान करते हैं, वो लोग आपका इटिनरीज प्लान करते हैं, मतलब आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और जो टूर ऑपरेटर होते हैं वो ट्रैवल एजेंट्स का बेस्ट रेट आपको दिखाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड चलो भाई, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। If you want to study any particular topic, toh please mention it in the comment section. And you can follow me on my Instagram. This is my Instagram. So, main wahan pe bahut achhi achhi cheeze post karta hu. So, okay. Bye-bye. Have a nice day. We'll meet you in next video.